हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, कल का बाज़ार कैसे खुलेगा इसके बारे में आप अगर आज ही जानना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड मार्केट के इंडेक्सेस को देखना होगा और हमारे SGX निफ्टी को भी ट्रेड होते देखना होगा, तभी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में पता चलेगा। जैसे कि नैस्डेक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, करीब करीब 2% की तेज़ी, और डाउ जोन्स में भी लगभग लगभग 1.5% की तेज़ी, और हमारा SGX निफ्टी भी ये इंडिकेट कर रहा कि कल की बाज़ार भी क्या होगी, गैप अप खुलने वाला है। और ये लगभग लगभग 100 पॉइंट अभी दिख रहा, 70-75 पॉइंट लगता है कि 100 पॉइंट से ऊपर ही गैप अप खुलने वाला। तो जो पोजीशन कैरी करके गए होंगे लॉन्ग साइड पे, उनके लिए कल के लिए तो बहुत अच्छा दिन हो सकता है, अगर कोई किसी तरह की चीज़ें अनवांटेड अननेसेसरी कुछ बातें नहीं निकल के आती है बाज़ार में तो ऐसा हो सकता। तो कल के लिए दो स्टॉक मैं आपके सामने रखूँगा और दोनों स्टॉक काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के शेयर हैं और दोनों में अच्छी मोमेंटम होने के चांसेस हैं। सबसे पहला स्टॉक होगा इन्फोसिस का, और इन्फोसिस के स्टॉक में कल आपको बेहतरीन रैली देखने को मिल सकती है। ये बेहतरीन रैली क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए, स्टॉक ने जिस हिसाब से अपनी जो जर्नी तय की है, इस स्टॉक को हमने अपने मेंबर्स के साथ में जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था तभी रख दिया था, और देखिए कितना बेहतरीन प्रॉफिट हमारे मेंबर्स ने इस स्टॉक पे निकाला पोजिशनली। अभी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग को इसमें 15 मिनट का चार्ट स्ट्रक्चर देखना होगा, जिसके थ्रू आप देखने से आपको समझ में आएगा कि कल पिछले एक वीक का जो इसका हाई है, ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं 1890 का, तो कल इस स्टॉक को 1890 के ऊपर देखते ही आपको इस स्टॉक पे पोजीशन क्रिएट करना है, और इसमें पोजीशन क्रिएट करके इसे नीचे की तरफ 1885 पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि कल इस स्टॉक पे अच्छी मोमेंटम होगी, जो इस स्टॉक को 1900 और 1910 और 1920, ये तीन आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो भी काफ़ी क्वालिटी का है और अभी स्टार्ट किया है चलना, तो चलिए देखता हूँ कौन सा स्टॉक है। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हमारे मेंबर्स है, गोल्ड मेंबर्स है, जहाँ पे मैं आर्टिकल्स पोस्ट करता रहता हूँ। और ये देखिए, ये हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आज इस लेवल पे अपने मेंबर्स के साथ में शेयर किया था, 1464 पे स्टॉक उस समय था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और उसके बाद क्या ट्रेडिंग सेशन रही और कल की क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सभी चीज़ें अगर आप पाना चाहते हैं तो पूरे एक महीने के लिए आप हमारा गोल्ड मेंबरशिप एक्सेस कर सकते हैं। आप VDL जाके देख लीजिएगा, भारत डायनेमिक्स को अपडेट किया लगभग 545 पे, उस समय स्टॉक था, स्टॉक ने हाई बनाया 570 का, तो इंट्राडे पे अच्छे टारगेट्स मिल गए ऐसे, तो हमने इसमें पोजिशनली हमारे मेंबर्स के साथ में शेयर किया था। और ABB इंडिया, जिसे हमने सुबह सुबह वीडियो के माध्यम से भी आप चैनल के सभी लोगों के सामने रखा था, 2125 पे स्टॉक ने आज हाई बनाया है 2202 का। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे बाकायदे टेक्निकल लेबल्स और चार्ट पैटर्न को देखते हुए। ये सभी चीज़ें अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सिर्फ 599 का गोल्ड प्लान है, पूरे एक महीने तक आप हमें एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही देखिए, ये हमारा मेंबरशिप का चैनल है, ये गोल्ड मेंबर्स का, जहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। और डिस्क्लेमर यही है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे ही ये सभी चीज़ों को देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो स्टॉक अपडेट किए गए हैं, सिप्ला को 11 फरवरी को हमने 11 मार्च को रखा था, बड़ी मोमेंटम 1070 के आसपास में हाई बनाया। कॉलगेट देखिएगा, और इन्फोसिस को कब रखा था यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने कब रखा था। टेक महिंद्रा 18 फरवरी को आप जाके देखिएगा, और इन्फोसिस 25 फरवरी को, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 1700 पे, और स्टॉक कितना हाई बना रहा, 1900, 200 पॉइंट की मोमेंटम। देखिए, दूसरा स्टॉक होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसी के आसपास में खुलता है, जो कि लेवल है 1460 का, 1460, 1465, 1470 इसके बीच में अगर खुलता है और ऊपर की तरफ 1480 को ब्रेक करता, तब आप सोचिएगा कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और इस ब्रेकआउट के बाद में इस स्टॉक पे सबसे पहले 1490 और 1510 ये तीन टारगेट्स आपको अचीव होता दिख सकता है, अगर आप इस पर बनाते हैं ये फ्लैग पैटर्न
तो आपको नज़र आएगा। जब ये स्टॉक इसी के आस जोन पे खुलेगा तब, अगर ये बहुत ऊपर खुलता तो हम इसे अवॉइड करेंगे, अगर ये नीचे खुलता तो अवॉइड तो ऐसे ही हो जाएगा बिकॉज फ्लैग पैटर्न के डाउन साइड खुलेगा, तो हमें इस पर पोजिशनली या फिर किसी भी तरह के हम लोग को लॉन्ग नहीं जाना, फिर उसमें क्या करना है आपको अवॉइड कर देना। तो ये दो स्टॉक ज़रूर रिडार पर रखिएगा कल के लिए। मुझे लगता है इन्फोसिस ज़्यादा बेटर होगा इन कंपेरिजन टू एरोनोटिक्स। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, ITC है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, इन सभी चार पांच स्टॉक को जरूर रिडार पर रखिए। अभी अच्छे खासे मोमेंटम होने के चांसेस है। मेट्रोपोलिस को तो आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं, अगले एक महीने में अच्छी मोमेंटम करने का दमसम रखता है मेट्रोपोलिस। बहुत नीचे मिल रहा, मैं उस पर वीडियो कवर करूँगा, बट ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बट किसी तरह की कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारे साथ अगर जुड़िएगा वो भी आप एक एजुकेशनल पर्पज़ पर ही जुड़िएगा, वो अलग बात है कि आप ट्रेडिंग करके उसमें पैसे बनाएंगे, बट आप इसे अच्छे तरीके से समझने के बाद ही आप हमारे साथ जुड़िएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।